रादौर के निर्माणाधीन खेल स्टेडियम में रविवार को भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कुरुक्षेत्र लोकसभा से पार्टी के उम्मीदवार नवीन जिंदल के समर्थन में मुख्यमंत्री नवीन सिंह सैनी ने वोट की अपील की। इस मौके पर रैली में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नवीन सिंह सैनी ने कहा कि नायब और नवीन जिंदल में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों एक ही राशि के हैं, मिलकर रादौर के विकास के लिए काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में एक बार फिर मोदी की लहर दिखाई दे रही है। वहीं उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस के घोषणा पत्र व राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। भाइयों, कोई फर्क नहीं है नायब और नवीन के अंदर, एक ही राशि है, डट करके इस क्षेत्र को और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जहां जहां भी जाता हूं, एक ही उत्साह और जोश लोगों का देखने को मिलता है। आज मैं अभी देख रहा था कांग्रेस का दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष, वो गाड़ी से उतर का बाज गया, वो रहा नहीं है कांग्रेस के साथ। हरियाणा के अंदर भी कई लोग देख रहे हैं कौन से रास्ते से किधर जाना है। हमने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़िए, जिसने इस देश को जोड़ने का काम किया है, जिसने इस देश को विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, हम देखते हैं इन्होंने 55-60 साल तक इस देश के ऊपर शासन किया है, परंतु 55-60 सालों के अंदर जो व्यक्ति गरीब था वो गरीब ही होता चला गया। इस प्रकार की इनकी नीति थी, इस प्रकार की नीयत थी। मैं कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहता हूं, आज न्याय की बात कर रहे हैं, भाइयों आपने 55-60 साल इस देश के ऊपर शासन किया, और आपके शासन के अंदर देश के लोगों के साथ अन्याय होता था, ये देश भूला नहीं है, देश के लोग जानते हैं। और देश के लोगों को मालूम है कि जब भी कांग्रेस की सरकार आती थी, एक गैस का सिलेंडर अगर लेना होता था 3 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। कांग्रेस की सरकार हरियाणा में भी थी, कांग्रेस की सरकार दिल्ली में भी थी, परंतु किसान के साथ अन्याय होता था और अन्याय होता था, 2 रुपए का चेक थमा देते थे, 5 रुपए का चेक थमा देते थे, उसको अपमानित करने का किसान को काम ये कांग्रेस के लोगों ने किया, कांग्रेस की सरकार ने किया। और भाइयों, 267 करोड़ रुपया जो कांग्रेस के समय का रुका हुआ था, वो भी पैसा हमारी सरकार ने किसान तक पहुंचाने का काम किया। वहीं रैली में संबोधित करते हुए लोकसभा प्रत्याशी नवीन जिंदल ने कहा कि विकसित भारत की तर्ज पर मेरा विकसित कुरुक्षेत्र का विजन है, जिसके लिए सभी से सुझाव मांगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 मई को नामांकन के दिन इस विजन को सबके सामने रखा जाएगा। जैसे विकसित भारत का एक प्लान है, विकसित भारत का प्लान हम कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र को भी विकसित करने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे, और उसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने सभी से सजेशन भी मांगा, सुझाव मांग रहा हूँ। आपसे भी मेरी विनती होगी कि जो जो आपके सुझाव हैं, आपके सुझावों को आप उसके माध्यम से रखें, आप मुझे दें, लिखित रूप में दें, ताकि उसका एक हम विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे। विजन डॉक्यूमेंट बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी से उसके ऊपर अपना उनका आशीर्वाद लेकर, और फिर 2 तारीख को मैं नामांकन दाखिल करूंगा आप लोगों के आशीर्वाद से कुरुक्षेत्र में, तो उसमें उसको डिक्लेयर करेंगे। तो मैं आप सभी से मैं आग्रह भी करना चाहता हूं कि आप सब अपना आशीर्वाद देने के लिए 2 तारीख को आप कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में सुबह 10 बजे जरूर आए, ताकि आपका आशीर्वाद मिले। साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि एक ऐतिहासिक पल है देश के लिए, ऐतिहासिक पल है हम सब के लिए, कि जहां हमारे पास एक मौका है, कितनी जो है इतनी जबरदस्त टीम है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मनोहर